Hello student, welcome to the St. Thomas High School online classes, standard 4th subject Hindi. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी में इस लेसन नंबर 15 का अभ्यास करेंगे. ये जो लेसन है उसका नाम है अह. इसे क्या कहते हैं हम? अह. विसर्ग का अभ्यास, विसर्ग का प्रयोग. तो बच्चों, हम विसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे? तो बच्चों, यहाँ पे एक कहानी दी गई है. कहानी में कुछ शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया गया है. तो चलो हम देखते हैं कहानी. अजय और आंचल. प्रातः, देखो बच्चों, प्रातः मीन्स सुबह, मॉर्निंग, ठीक है. अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए. कहाँ गए? जंगल में. उन दोनों को भूख लगी. अजय और आंचल दोनों जंगल में गए थे, उसे क्या लगी? भूख लगी. अतः उन्होंने भोजन किया. अतः मीन्स इसलिए. भूख लगी इसलिए उन्होंने भोजन किया. भोजन किया मीन्स खाना खाया. वे पुनः, देखो बच्चों ये लिखा पुनः. पुनः मीन्स फिर से, अगेंस्ट, ओके. पुनः मीन्स फिर से. चलने लगे, वो फिर से आगे चलने लगे. दोनों जंगल में गए थे, चलते चलते दोनों को भूख लगी. अतः यानी इसलिए दोनों ने भोजन किया. फिर पुनः मीन्स इसलिए फिर से चलने लगे. पुनः मीन्स फिर से चलने लगे. अंततः, देखो बच्चों, अंततः, अंततः मीन्स लास्ट में, अंत में. अंततः मीन्स लास्ट में. आपने एम कही ने छेले, आम थयू, हम कहते हैं ना लास्ट में ऐसा हुआ. अंततः यानी लास्ट में. अपने गांव में पहुंच गए. चलते चलते वो अपने गांव में पहुंच गए. शनै शनैः अंधेरा हो गया. शनै शनैः, शनै शनैः मीन्स धीरे धीरे. क्या होता है? धीरे धीरे अंधेरा हो गया. वो आराम से सो गए. वो आराम से सो गए. वो जंगल में गए थे चलते चलते. चलते चलते दोनों को भूख लगी. दोनों ने खाना खाया. आप इस चित्र में देख सकते हो कि दोनों खाना खा रहे हैं. फिर खाना खाने के बाद पुनः फिर से वो चलने लगे. अंततः यानी लास्ट में गांव में पहुँचे. शनै शनैः यानी धीरे धीरे अंधेरा हो गया और वो आराम से सो गए. दोनों पूरा दिन इतना चले कि दोनों थक गए थे, इसलिए बाद में दोनों सो गए. अब यहाँ पे है पढ़ो और समझो. मीनिंग वर्ड्स है बच्चों. ये क्या है? मीनिंग वर्ड्स. तो बच्चों, प्रातः यानी सुबह. प्रातः यानी सुबह. अंततः यानी आखिर में. अतः मीन्स इसलिए. शनै शनैः मीन्स धीरे धीरे. पुनः मीन्स दोबारा यानी फिर से. एक बार जो हो गया और दूसरी बार जो करे उसे पुनः यानी दोबारा, ठीक है. अब बच्चों, यहाँ पे आपको पढ़ो और लिखो, यहाँ पे ये वर्ड्स जो है आपको रीड करना है और यहाँ पे लिखना है ऐसे.
प्रात ह अंत ह पुनः अंतत। और यहाँ पे लिखना है शने शने, ठीक है। तो बच्चों आज के होमवर्क में है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वन टाइम, और रीड भी करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है बच्चों, सिर्फ पांच ही वर्ड्स है, तो 5-7 मिनट लगेगी इतना लिखने में, ठीक है बच्चों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।